बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कटिहार में परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना कहा कि भ्रष्टाचार के मामले के चलते उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब वो अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश ने कहा कि इसलिए हम सबको याद दिलाना चाहते हैं कि उनके राज में कोई काम नहीं हो रहा था, हम लोगों ने सबके हित में काम किया है। आजकल जब क्लेम करते हैं, हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया, और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था। नीतीश कुमार के बयान के जवाब में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं, वो हमें कुछ भी बोलें वो हमारे लिए आशीर्वचन होगा, लेकिन किसी पर इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। जो मन करे वो कहे, वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा, लेकिन बात ये है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पे बात होनी चाहिए।